हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड कल की डेट में कोई वीडियो नहीं आ पाई, तो उसके लिए आई एम रियली अपोलोजाइज। बात करें आज की डेट की, तो आज की डेट में काफ़ी सारी वीडियो आने वाली है। और इस पर्टिकुलर वीडियो की अगर बात करूं, तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि बोनस शेयर, एक कंपनी है जो बोनस शेयर देने जा रही है और अपना फर्स्ट बोनस देने जा रही है। और ऑल टाइम हाई की डायरेक्टरी में ये कंपनी चल रही है। 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई, सभी इसने अगर बात करें फ्राइडे को ही लगाते हुए दिखाई दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आइए उससे रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे उस कंपनी के बारे में, उसके फाइनेंशियल देखेंगे, उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, कुछ ट्रेड उसका चार्ट पैटर्न देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली कहाँ तक ये शेयर जा सकता है अगर ये खबर सच हुई। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर हम बात करें यहाँ पर थर्सडे की, तो थर्सडे को या फ्राइडे को यहाँ पर काफी यहाँ पर वीडियो आई है। यहाँ पर देख सकते हैं दो वीडियो आई थी, एक आईटी से रिलेटेड शेयर में शायद गिरावट आ सकती है, बाकी यहाँ पर और भी रिजल्ट से रिलेटेड बातें की गई थी। और यहाँ पर काफी सारे स्टॉक्स थे उससे रिलेटेड पर्टिकुलर ये वीडियो है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। और अगर हम बात करें चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 डे का चार्ट पैटर्न लगभग फ्लैट ही नजर आ रहा है। फिर भी अगर देखी जाए तो 2% का यहाँ पर जंप एक दिन में यहाँ पर दिखाई दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर बोनस शेयर यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं। मिलेगा या नहीं वो डिपेंड होता है, बट बोनस से रिलेटेड न्यूज आ रही है। अगर बात करें 5 डेज की, तो 5 डेज में आप देख सकते हैं कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर ग्रो करती हुई दिखाई दी है, लगभग 7 to 8% के आपको गेन यहाँ पर मिले हैं। 1 मंथ की बात करें, 1 मंथ में यहाँ पर सेम चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 मंथ में भी शेयर देखिए काफी नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन। तो बात करें यहाँ पर ये शेयर इतना खास नहीं है, ओके, इस तरीके से रिटर्न नहीं देता, डिविडेंड यील्ड अच्छी है। बट अगर बात करें यहाँ पर 5 ईयर का, देखिए सेम चार्ट पैटर्न, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखें तो यहाँ पर सेम ही चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है। कुछ इतना गेन नहीं मिला है, बट जिस तरीके से अब न्यूज है कि बोनस से रिलेटेड, तो जब बोनस की न्यूज आती है ना, तो कोई भी कंपनी हो अच्छा खासा गेन देके ही जाती है, इस बात को हमेशा याद रखना। शेयर की कीमत अभी कुछ भी हो, कम से कम 50 से 100 रुपए, 50 से 100 रुपए आपको बढ़ते हुए मिलेंगे। अब जैसे बात करें वरुण बेवरेजेस की, ओके, मैंने आप वीडियो बनाई थी और आपको बताया भी था, इस शेयर को लीजिए। अगर बात करें 1176 रुपए तक ये शेयर जाता हुआ दिखा, फिर इसका स्प्लिट हुआ, ओके, सॉरी, इन द सेंस बोनस हुआ, डिवाइड हो गया उसी उसके अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद भी अगर बात करें तो लगभग लगभग 5-6% 10% भागता हुआ दिखाई दिया, और फिर उसके बाद गिरा। तो इस चीज का आप फायदा उठा सकते हैं, इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा एग्जैक्टली मैंने क्या किया था और किस तरीके से मैंने अच्छा खासा गेन मिल गया। क्योंकि देखिए ऑपरेटर होते हैं ना, वो प्रमोटर से भी ज्यादा श्याने होते हैं, ओके, और वो ऑपरेटर ही सब कुछ होते हैं, मालिक होते हैं कह सकते हो। तो ऑपरेटर का जो रोल है ना, वो प्रमोटर से भी ज्यादा है। तो इस गेम को अगर आपको समझना है, तो इसे आपको डेली वाइज वीडियो देखिए, ओके, सीखिए, सीख के आप समझ पाएंगे, ओके, जितने भी चार्ट पैटर्न है उनसे एनालाइज करिए, एग्जैक्टली बोनस के टाइम पे क्या होता है, स्प्लिट के टाइम पे क्या होता है, ये सब चीजें सीखिए, फिर उसके बाद आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा और फिर उसके बाद आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं ये छोटे छोटे इवेंट से भी। और अगर हम यहाँ पर बात करें शेयर से रिलेटेड, देखिए 246 रुपीज का प्राइस है। यहाँ पर बात करें 60,47,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे उठाए गए हैं, 37% की डिलीवरी है। 52 वीक लो की बात करें, 15 अक्टूबर 2020 को था 154 रुपए का, आज बात करें तो लगभग 50 रुपए यहाँ पर, 100 रुपए के लगभग यहाँ जंप कर चुका है। 11 जून को यहाँ पर देखिए 52 वीक हाई इसने बनाया, जो कि मैंने आपको बताया था, और ये 52 वीक हाई नहीं, ऑल टाइम हाई भी है। और इसकी कंपनी इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख लीजिए प्रमोटर्स के पास 51.34% की होल्डिंग है, बाकी FISDIs के पास है। कंपनी डिविडेंड कंटिन्यूअसली देती है, यहाँ पर अगर 2020 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा डिविडेंड, 15 रुपीज का 3 बार डिविडेंड यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है जितने भी शेयर है। और ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट के अंडरटेक आती है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट, डिविडेंड, बोनस, अदर बिजनेस मैटर। तो यहाँ पर बोनस से रिलेटेड, डिविडेंड और फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर आने वाले 17th of August को, आप ध्यान दीजिएगा 17 अगस्त को, एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है इस कंपनी के लिए। और बात करें कौन सी कंपनी है, तो यहाँ पर भी देख लेते, देखिए टू कंसिडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट for the period
एंडेड मार्च 31, 2021 डिविडेंड बोनस एंड अदर बिजनेस मैटर्स। तो यहाँ पर बोनस सेल की बातें की जा रही है, और जब ये ऐसी कंपनी कहती है ना बोनस देंगे, वो फर्स्ट टाइम बोनस देने वाली है ये कंपनी, तो बोनस ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कंपनी देती हुई नजर आएगी। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर इस कंपनी को पहले समझ लीजिए, तुरंत न्यूज देख के एग्जिट करना एकदम बेकार बात रहती है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, ओके यहाँ पर महारत्न कंपनी है, ओके एज वेल एज यहाँ पर अगर हम बात करें वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रांसमिशन यूटिलिटी इनके पास है। यहाँ पर देखिए ये महारत्न कंपनी है, तो मतलब कंपनी ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, कंपनी बहुत बड़ी है। ओके यहाँ पर अगर और भी कुछ पैरामीटर देखिए, तो यहाँ पर इन कंपनी के बारे में अगर जानना है तो इनका बिजनेस देख लीजिए। पावर सिस्टम मैनेजमेंट में कंपनी काम करती है, टेलीकॉम सेक्टर में यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है, ओके एज वेल एज बात करें इंटरनेशनल बिजनेस में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। डोमेस्टिक कंसल्टेंट्स, स्मार्ट ग्रिड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट R&D, एज वेल एज यहाँ पर बात करें ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जब ईवी आएंगी ना तो यहाँ पर ये इस कंपनी का भी बहुत बड़ा रोल होगा, इस चीज को याद रखिएगा। ये कंपनी यहाँ पर इंस्टॉल करती हुई नजर आएगी ईवी स्टेशंस, तो इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए। बात करें कुछ और चीजों की, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आप पहले पढ़ लीजिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, मतलब ट्रांसमिशन सिस्टम टेलीकॉम एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में ये कंपनी काम करती नजर आती है। लार्ज कैप कंपनी है, 1,28,854 करोड़ रुपीज मार्केट कैपिटल है। पी की बात करें 10 के पी पे कंपनी मिल रही है, आरओसी की बात करें 12 के आरओसी, आरओई 19-20 के आसपास है। डेट की बात करें, डेट कंपनी के पास ज्यादा है, ओके क्योंकि जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि डेट इसी वजह से हो सकता है, और इसी वजह से डेट की वजह से ही यहाँ पर शेयर प्राइस की बात करें तो कुछ इस तरीके का शेयर प्राइस नहीं है जिस तरीके का इनका बिजनेस मॉडल है। अगर बात करें प्राइसिंग की, कोई भी प्राइसिंग नहीं है, ओके इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो 301 रुपए की इंट्रेंसिक वैल्यू है, जो कि इस बार अगर बोनस अनाउंस हुआ तो इससे क्रॉस करके हुए दिखाई देगा। अकॉर्डिंग टू मी, आई कुड बी रॉन्ग, बट जो मैंने अभी तक देखा है तो आई कुड बी राइट। अगर बात करें यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो सेल्स की बात करें 2018 से अभी तक देखना, यहाँ पर सेल्स यहाँ पर अगर बात करें हाईएस्ट एवर सेल्स यहाँ पर नजर आई है 9677, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है 8461। नेट प्रॉफिट की बात करें क्वार्टरली बेस पर, यहाँ पर हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट भी है 23.24 करोड़ रुपीज का, मतलब हाईएस्ट एवर यहाँ पर रिवेन्यू सब चीज यहाँ पर नजर आ रही है, और इस बार के जो रिजल्ट आएंगे वो और ज्यादा अच्छे खासे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, सेल्स यहाँ देख सकते हैं, सेल्स एवरी क्वार्टर एवरी ईयर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है पिछले 10-11 साल से। पहले 5690 थी, फिर उसके बाद 7,127, फिर 8,286, फिर 10,000, फिर 12,000, 15,000, 17,000, 20,000, 25,000, 29,000, 34,000, 36,000 और अब क्या 37,428 करोड़ रुपए की यहाँ पर सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 4,000 करोड़ का यहाँ पर 32,000 करोड़ में, मतलब समझ रहे हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या नजर, मतलब कंपनी क्या कर रही है, क्या बेहतरीन यहाँ परफॉर्मेंस है। नेट प्रॉफिट की बात करें 1,691 करोड़ का प्रॉफिट, 11,603 हाईएस्ट एवर। डायरेक्टली में कंपनी काम कर रही है, अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि बस केवल कुछ ही टाइम में हुआ है, यहाँ पर कंपनी एवरी ईयर यहाँ पर अगर बात करें कुछ टाइम के लिए यहाँ पर एक जैसा लगभग यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रही थी, बट अगर बात करें इस बार तो यहाँ पर 6,000 से सीधे 7,500, फिर 8,500, फिर 9,500-10,000 के लगभग, फिर 10,500, और फिर अब 11,500 के लगभग प्रॉफिट, मतलब हाईएस्ट एवर प्रॉफिट और बेहतरीन प्रॉफिट। ऐसा नहीं है, अगर बात करें यहाँ पर 10 साल में 10 गुना ही हो चुका है। बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व्स यहाँ पर अच्छे खासे 10,000 करोड़ के रिजर्व्स आज की डेट में 62,000 करोड़ के रिजर्व्स हो गए हैं, और जब रिजर्व्स इतने बेहतरीन होते हैं तो बोनस कंपनी देती है, रिजर्व्स के ऊपर ही यहाँ पर बोनस हमेशा डिपेंड करता है। बोरिंग की बात करें, कंपनी के पास बोरिंग है, बट अगर बात करें पिछले 2 साल से यहाँ पर कम करती हुई नजर आ रही है, पिछले साल 1,47,000 करोड़ का यहाँ पर बोरिंग थी, आज की डेट में 1,36,000 है, कुछ ना कुछ बोरिंग कम करनी अच्छी बात है। फिक्स एसेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए फिक्स एसेट में पैसा खर्च हो रहा है, जब फिक्स एसेट में पैसा खर्च हो रहा है मतलब समझ लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में उनका पैसा खर्च हो रहा है, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा खर्च होता है तो यहाँ पर बिजनेस फिर और ग्रो करने की चांसेस होते हैं। तो CWIP की बात करें 21,113 करोड़ का यहाँ पर क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस में यहाँ पर पैसे है, जो कि यहाँ पर जब एड होंगे तो आपको पता चलेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 69 था जो लगभग अभी 30 से हुआ, तो लगभग 9,000 करोड़
करोड़ रुपए ओके यहाँ पर घटते हुए दिखाई दिए जो कि यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि ये चीज है यहाँ पर दिखाई देती है, ये बाद में यहाँ पर ऐड होती है, और जब यहाँ पर ऐड होती है तो फिर इनका यहाँ पर दिखाई देता है, जब इनके रिवेन्यू आते हैं फिर जब प्रॉफिट आता है तब दिखाई देती है ये चीजें। बात करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, कंपनी के 2700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, कैश अच्छा खासा है 7500 करोड़ के आसपास ओके 7400 करोड़ के आसपास, ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा कंपनी को मिल रहा है ओके, जो भी पैसा आता है वो इनकी बुक में दिखाई देता है, और आरओई अच्छा खासा है 12-13 की आरओई पे यहाँ पर कंपनी काम कर रही है। यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 51% की होल्डिंग है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। FIs की बात करें, FIs ने इस क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। DIs की बात करें, DIs ने थोड़ी सी बेची है वो FIs ने खरीद ली है, FI यहाँ DIs देख सकती है, LIC ने ले रखी है, HDFC ने ले रखी है, निपोन लाइफ ने ले रखी है, SBI ने ले रखी है हिस्सेदारी। एज वेल एज बात करें यहाँ पर पब्लिक की, तो पब्लिक के पास केवल और केवल 6.5% की हिस्सेदारी है और ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है, तो जब इस तरीके की हिस्सेदारी होती है पब्लिक के पास कोई हिस्सेदारी नहीं होती, तो ये प्रमोटर्स हो गए, ये जो बड़े बड़े लोग हो गए FIs DIs, ये शेयर को भगाई देते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में दे सकते हैं। बात करते हैं चार्ट पैटर्न की, आरओई की, आरएसआई की बात करते हैं, 70 की आरएसआई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई की डायरेक्टरी में चल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए ये शेयर कभी भी ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, बट इस बार ऑल टाइम हाई को इसने क्रॉस कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें इस कंपनी से रिलेटेड, तो यहाँ पर कब वेज हैंडल पैटर्न एक बना था, अगर यहाँ पर मैं इस ड्रॉइंग को रिमूव कर दूं तो अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर इसका जो ये हाईएस्ट एवर डायरेक्टरी थी यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर एक ये कब बनता हुआ दिखाई दिया था, और फिर इसके बाद हैंडल, और फिर इसके बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया था। जैसे कि मैं कहता हूँ कि जब ये ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न बनते हैं ना, तो फिर ये जो ब्रेकआउट होते हैं ना, तो ब्रेकआउट होने लाजमी है, ये ब्रेकआउट होते ही है और ऊपर की तरफ जाते ही है शेयर, और जो इसका ऑल टाइम जो ये चार्ट पैटर्न कहते हैं ना कि इतना बढ़ेगा, तो ये इतना बढ़ता है, बट इसके लिए आपको क्या देना पड़ता है, इसके लिए आपको देना पड़ता है थोड़ा सा टाइम। ये बात करें 46% की गेन यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, बट ऑलरेडी शेयर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और उससे थोड़ा सा आगे निकल चुका है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी भी कितने परसेंट के गेन है, तो 32% के गेन है, और मुझे ये पता है क्या लग रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए अगर मैं अगर एज अ इन्वेस्टर फाइनेंशियल अगर बात करूंगा फंडामेंटल एनालिस्ट की तरह, तो ये जो 32% के गेन है आपको 1 साल के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है, बट ये अभी क्या चल रही है, बोनस की न्यूज, और बोनस की न्यूज चल रही है ना, जब बोनस की न्यूज चलती है 70-80 रुपए इजीली बढ़ जाते हैं, और 70-80 रुपए का मतलब है 32% की रिटर्न ही लगभग ओके, क्योंकि 250 के आसपास शेयर चल रहा है और ये कितना 75 का ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, तो ये शेयर 75-80 के आसपास का, और ये शेयर यहाँ पर जाता हुआ आपको 80 रुपीज इजिली बढ़ जाएंगे, जब तक इसका जब जिस दिन बोनस की न्यूज आ गई है कि बोनस का हो जाएगा, और जिस दिन बोनस होने वाला होगा ओके, जिस दिन आपके शेयर डिवाइड होंगे, तो ये 32% के रिटर्न तब तक दे चुका होगा, तब तक यहाँ पर पहुंच के फिर दोबारा ये डिवाइड करके यहाँ पर ही आसपास आता हुआ यहीं पर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ये इस तरीके से आप काम करेंगे तो आप अच्छा खासा गेन कमा सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर हिस्सेदारी ऑल सॉरी यहाँ पर शेयर खरीद लिए, हिस्सेदारी क्या है, हिस्सेदारी कह सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर शेयर्स ऑलरेडी खरीद लिए हैं ओके फ्राइडे के जब मैं यहाँ पर न्यूज मेरे को पता चली। बाकी यहाँ पर अपनी कोई भी आपको बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर आपको जो भी पोजीशन लेनी है खुद की दम पे लेनी है, खुद की स्टडी करके लेनी है और सीख के लेनी है मेन बात। जब आप इस तरीके से सीख के लेंगे तो इसी में नहीं, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद चार्ट पैटर्न एनालाइज करेंगे, खुद फाइनेंशियल देखेंगे और खुद ही आगे बढ़ जाएंगे। बाकी वीडियो तो देखते रहिए हमारी, हम इस तरीके की वीडियो लाते रहते हैं, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल को दूसरे लोगों के साथ भी सब्सक्राइब करवाइए, उनको शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।